जो उनके रहने की जमीन नहीं है उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि 5 डिसमिल जमीन सरकार दे। हाँ, जहाँ तक अभी कहा जाए तो तेजस्वी यादव ने ये अपनी चुनावी वादा में भी कहा था कि किसानों और मजदूरों का जो भी कर्ज है वो माफ़ कर दिए जाएंगे अगर हमारी सरकार बनती है तब। और ये जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि वाला जो मिलता है वो 500 रुपया है, यानी ये दोनों पेंशन जो है किसान और मजदूर का वो मात्र 500 और 400 है, जबकि इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने 1000 बात किया था। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस समय मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ लोग हैं जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, और हम बता दें कारण क्या है कि तेजस्वी यादव के द्वारा झूठा वादा किया गया था ये कहा जा रहा है, और किसानों का सारा कर्ज माफ़ करने और साथ में 1000 रुपये पेंशन देने की बात तेजस्वी यादव ने कही थी, जिसे वो झूठला रहे हैं, वो नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपने वादे पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, ऐसा मानना है इनका जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हम पूछेंगे कहाँ से आए हुए हैं और कौन कौन सी बातें हैं जिसको लेकर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है और आप आए कहाँ से हैं। मैं मनंजय कुमार, किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों का ये मंथली यहाँ पर हर एक महीने में पंचायत रखाता है किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर। हम लोगों को खास मुद्दा है कि किसानों को फसल जो मंडी होता है सरकार 2006 में ही समाप्त कर दिया है, वो फसल मंडी फिर से चालू कराने की मांग कर रहे हैं। किसानों को पूरे बिहार में किसानों को बिजली मुफ्त दिलाने की मांग कर रहे हैं, और किसानों को मजदूरों को 10000 रुपया पेंशन की मांग कर रहे हैं कि हर एक किसान मजदूर को 10000 रुपया प्रतिमाह पेंशन होनी चाहिए। किसानों और मजदूरों को जो भी कर्ज लिए हुए हैं कर्ज की माफ़ी की मांग कर रहे हैं, और किसान जो मजदूर हैं जो उनके रहने की ज़मीन नहीं है उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि 5 डिसमिल ज़मीन सरकार दे। यही 5 मुद्दे को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। आज कई महीने से हम लोग लगातार पंचायत के माध्यम से हर एक ज़िले में पंचायत भी चला रहे हैं, उसमें मांग कर रहे हैं कि जो दखल खारिज में डिमांड अलग करने में या फिर दखल खारिज करने में या फिर मोटेशन करने में जो भी पैसे लग रहे हैं या फिर उसको कई तरह से पैसे के जो डिमांड किया जा रहा है वो सरकार तत्काल जो अवैध पैसा लेता है कर्मचारी उसे हटाए। मतलब कई जगहों पर पैसा लेता है, मतलब बिहार सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था गांवों को लेकर उस वादे पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक अभी कहा जाए तो तेजस्वी यादव ने ये अपनी चुनावी वादा में भी कहा था कि किसानों और मजदूरों का जो भी कर्ज है वो माफ़ कर दिए जाएंगे अगर हमारी सरकार बनती है तब। सरकार इनके समर्थन में 1 वर्ष से चल रही है अभी किसानों और मजदूरों के जो कर्ज माफ़ी का। कब कहा था तेजस्वी यादव ने बात? ये विपक्ष में जब थे तो इन्होंने मुद्दा बनाया था, अब मुद्दा बना करके उन्होंने कहा था भाई मेरे अखबार के कटिंग है, मेरे पास अखबार कटिंग है, कटिंग है मेरे पास, दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ। तो अखबार की कटिंग है इसके, और वो भी अथी का ऑन रिकॉर्ड भी होगा विधानसभा में, उनका ऑन रिकॉर्ड भी है कि किसानों का कर्ज माफ़ी पर। अच्छा, और इन्होंने चुनावी घोषणा भी किया था कि किसान अगर हम लोग का सरकार बनती है तो जो पेंशन है 300 रुपया जो बढ़ा करके हम 1000 रुपया कर देंगे। ये भी पेंशन वाला भी बात, यानी दोनों बात। अभी आपका पेंशन कितना है? अभी 300 रुपया 400 रुपया किसानों मतलब का वही है। हाँ वही पेंशन है, और किसान का 500 रुपया मिलता है, जो वृद्धि जो बुजुर्ग किसान है जो वृद्धा पेंशन जिसके कहते हैं वो भी 400 रुपया है, और ये जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि वाला जो मिलता है वो 500 रुपया है, यानी ये दोनों पेंशन जो है किसान और मजदूर का वो मात्र 500 और 400 है, जबकि इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने 1000 बात किया था कि 1000 बढ़ा करके कर देंगे। आज तक ला इनकी बात खोखली साबित हो रही है, इसीलिए हम लोगों को कहा जाए कि हम लोग को व्यवस्था है धरना प्रदर्शन करना कि इन लोग अपनी वादा से क्यों मुँह कर जाते हैं। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पर गांवों से ही आए हुए लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण चिकित्सक जो आप जानते हैं कि 38 दिनों का अनिश्चितकालीन हड़ताल 38 जिलों से यहां पर ग्रामीण चिकित्सक आकर दे रहे हैं, और साथ में गाँव से एक और बात अभी सामने उठ कर आई है। हम जानते हैं कि हमारा भारत देश गाँवों का देश है, बिहार में भी ज़्यादातर गाँवें ही हैं, और वहाँ पर जो वादे चाहे डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, ज़मीन को लेकर, घर को लेकर, साथ में पेंशन को लेकर जो बातें की जाती है, आपको क्या लगता है कि सरकार अगर पूरा नहीं कर सकती है ये वादे तो ऐसे वादे फिर किए करते क्यों हैं? देखिए, ये कहा जाए कि सरकार का एक किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति या वोटरों के प्रति ये लुभावन वाला वर्ड होती है, जिसको कह सकते हैं कि लोलीपोप दे करके लोगों को अपनी वोट को अपनी
अस्तित्व को, अपनी सत्ता को इन लोग बनाता है। तो लेकिन आप कह रहे हैं वादा नहीं करना चाहिए, ये झूठी खोखली वादा नहीं होनी चाहिए, ये धोखा है, वोटरों के साथ धोखा है, यहाँ के किसानों को धोखा है, यहाँ के मजदूरों के साथ धोखा है। ऐसी वादा कोई भी सरकार करती है, केंद्र की सरकार करती है या बिहार की सरकार करती है, इसे खास करके वोटरों को, किसानों को और मजदूरों को इसे नकारना चाहिए। ऐसी ऐसी सरकार, ऐसे ऐसे नेतृत्व को नकारने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आपने बताया, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि बस वोट के लिए, वोट बैंकिंग के लिए ये वादे करते हैं फिर उससे मुकर जाते हैं, तो क्या आने वाले जो चुनाव हैं बिहार के या फिर लोकसभा की, अगर हम बात करें, लोकसभा से तो मतलब है नहीं, बिहार से अगर बात करें, बिहार चुनाव का 25 में, तो क्या उस पर असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जो जो जैसे जैसे यहाँ के लोग, किसान मजदूर बुद्धिजीवी होते जाएंगे, इनका पूरा प्रभाव पड़ेगा। ये धीरे धीरे जो यहाँ पर धर्म की राजनीति, यहाँ पे जाति की राजनीति जो चल रही है, धीरे धीरे समाप्त होगी। जैसे जैसे लोगों को जन जागृति होगी, लोगों में जागरूकता होगा, वैसे वैसे सारे लोगों जागेंगे, तो निश्चित है कि ऐसे ऐसे राजनीति करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं छक्के छुड़ा देंगे आगे की करियर में। आपने कहा था कि आपके पास पेपर की कटिंग है, अखबार की कटिंग, आप दिखा सकते हैं? आप दिखाइए, कटिंग दिखा रहे हैं इनके पास जो है, जहाँ पर तेजस्वी यादव द्वारा, हाँ तेजस्वी यादव द्वारा वादा किया गया था पेंशन को लेकर, साथ में विकास को लेकर, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया और सालों बीत चुके हैं। तब तक हम आपको एक बार बैनर दिखा देते हैं कि आप समझ पाएँ कि आखिर जो भी कारण क्या था। आपको एक बार बैनर के माध्यम से हम दिखा देते हैं यहाँ पर, जो भी पर आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पर 5 मांगे इनकी तरफ से, 5 सूत्री मांग जो है वो रखी गई है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले फसल मंडी फिर से चालू करने की, फिर फसल मंडी की कीमत बढ़ाई जाने को लेकर, 10,000 पेंशन लागू करने को लेकर, मुफ्त बिजली की व्यवस्था करने को लेकर, और साथ में भूमिहीन को 5 डिसमिल ज़मीन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी 5 मांगे हैं वो यहाँ पर बैनर में साफ तौर पर लिखी गई है। हम आपको कटिंग दिखाते हैं, आप देख सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। अखबार की कटिंग है जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी द्वारा की गई थी, और इसे अभी तक पूरा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। और जब तक सरकार नहीं वादा पूरा करते है, तब तक हम लोगों को लगातार आंदोलन चलते रहेगा। अगले महीने हम लोग 26 नवंबर को किसान महापंचायत गांधी मैदान में लगा रहे हैं। अच्छा, गांधी मैदान में, गांधी मैदान में 26 नवंबर को। कितने तादाद में वहाँ पर लोग आ सकते हैं? देखिए, हम लोग को पूरा प्रयास है कि हजारों की संख्या में रहेंगे, हजारों की संख्या में रहेंगे वहाँ पर किसान मजदूर 26 नवंबर को। हाँ, अगले 26 नवंबर को किसान महापंचायत लगेंगे, वहाँ पर हजारों हजार किसान वहाँ पर पहुँचेंगे, और उस किसान महापंचायत में पंजाब से भी किसान मजदूर के अध्यक्ष भी आ रहे हैं और नेतृत्व करने के लिए बहुत सारे किसान मजदूर पूरे बिहार से आएंगे। मैं मनंजय कुमार, किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष। तो आपने देखा साफ तौर पर गांवों से लेकर जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। वो कैसे बढ़ रही है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार गांवों की तरफ से ही लोग आकर धरना दे रहे हैं, चाहे ग्रामीण चिकित्सकों की बात हो, ग्रामीण मुखियाओं की बात हो, या फिर यहाँ पर किसानों की बात हो। हम जानते हैं कि किसान की भूमिका कितनी अहम होती है बिहार में, या फिर समस्त भारत देश में, या समस्त दुनिया में कह सकते हैं कि अन्नदाता कहा जाता है किसानों को। और वही किसान अगर आकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, मांग रखना पड़ रहा है उन्हें, तो फिर कितनी शर्मनाक बात है हम समझ सकते हैं। 5 सूत्री मांग यहाँ पर इन्होंने अपनी मुख्य मांगें की हुई है, आपको आप विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे 24। मैं नंदन, अपने सहयोगी प्रिंस के साथ, धन्यवाद।